अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ नईम। आज हम बनाएंगे क्रीमी कुकम्बर्स। ये टमाटोज हैं, एक टमाटोज है, कोरिएंडर, कुकम्बर्स, टू वन ऑनियन है, लिया मैंने पूरा लेमन का जूस निकाला है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रीम, म्यूनिस, हाफ हाफ कप है दोनों। ये हम कुकम्बर की कटिंग कर रहे हैं, कोशिश किया करें कटिंग एक जैसी कीजिएगा। ये देखें सेम कटिंग है एक जैसी, आपको जैसी भी आती है, क्यूब आती है, स्लाइस आती है, जैसी कटिंग आती है आप वैसे ही कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एक जैसी हो तो बहुत अच्छा लगेगा, कटिंग भी सेम होगी और आपकी रेसिपी इतनी अच्छी लग जाएगी। तो आप बिल्कुल बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बनता है और कैसा बना है, टेस्ट में कैसा है, या आप मुझे बताना है कमेंट्स में। और मेरा चैनल जो है आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप देखते हैं, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा मेरा कटिंग बोर्ड हिल रहा है नीचे से, क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं कोई लगाई। आप कोशिश करें जब भी कटिंग बोर्ड आप यूज़ करें तो नीचे कोई ना कोई चीज़ रख लिया करें, कोई डस्टर रख लें, कोई टिश्यू के पेपर रख, टिश्यू पेपर रख लें, ये फिर जो आपका कटिंग बोर्ड है मूव नहीं होता किस साइड से, कटिंग बिल्कुल सही होती है। तो मैंने नीचे टिश्यू पेपर नहीं लगाया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो आप इसके नीचे कोई ना कोई चीज़ रख लिया करें जिससे वो हिले ना। ये देखिए सेम कटिंग मैंने की है, ये टमाटोस में काट रहा हूँ। ये देखिए मुझे ऐसी कटिंग अच्छी लगी, मैंने ऐसे काट लिया, आपको जैसे पसंद है वैसे ही काट लीजिएगा। टमाटोस की कटिंग कर ली है मैंने, अनियन की कटिंग सेम, जैसे आपको पसंद आ वैसे कटिंग कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ये देखिए सारे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कटिंग भी अच्छी हो गई, कमरे में मैंने ऐड कर दिया। कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर फाइन चॉप कर लीजिएगा, ये आपके सैलेड की लुक बना देगा, बहुत अच्छा लगेगा ग्रीन ग्रीन। ये मैंने ऐड कर दिया अच्छे से, सारा इसमें ऐड किया मैंने। अब इसमें लेमन जूस, जो भी हमारे जूस से बाकी थे, सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर हाफ हाफ टी स्पून है, लेवल का हाफ टी स्पून, लेमन जूस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये पूरा लेमन है। ये इसमें मैंने हाफ कप क्रीम ऐड की है और हाफ ही कप मैंने मेयोनेज़ का यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, हाफ हाफ कप इनफ है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, मिक्स मैंने स्पून से किया है। ये देखिए कितना कलरफुल है, खाने में भी मज़े का है, आप खाएंगे और मुझे याद करेंगे। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, डिश आउट करेंगे। ये मेरे पास एक रिंग है, ये देखिए जी, मैं रिंग में सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से डाल के फिलिंग करके लेवल कर लेना है, एक लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, जो खाना देखने में अच्छा लगेगा ना वो खाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए ये आप बिल्कुल बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है।
ये देखिए अब मेरे पास एक और रिंग है, वो थोड़ा सा इससे छोटा है। अगर मैं एक और भी रिंग होता छोटा, इससे भी छोटा होता, तो मैंने एक थ्री स्टोरीज बन जाना था। अभी टू है, एक और भी बना सकती हैं, इससे बड़े रिंग भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए अच्छे से मैंने फिलिंग कर ली, इसे लेवल कर देंगे जी। ये देखिए अच्छे से लेवल कर दिया मैंने। वो मैंने रिमूव कर दिया एक रिंग, और एक रिंग ये वाला रिमूव कर दिया मैंने। देखिए कैसा लगा आपको, माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये देखिए आप ही बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, मैं टेस्ट करके भी बताऊंगा कैसा बना है। देखिए कैसा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये देखिए आपने बना तो मुझे बिल्कुल बताना है कैसा बना है। थैंक यू सो मच।